जैसे कि मैंने पहले बताया कि एंड्रॉयड और iOS दो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, इसके अलावा अमेज़ॉन का भी प्लेटफॉर्म है और जितने भी मोबाइल प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं उनमें भी काफ़ी ऐप स्टोर्स आ चुके हैं और बहुत सारे वेब पे भी ऐप स्टोर्स आ गए हैं, जिसमें क्रोम का एक बड़ा क्रोम ऐप स्टोर के नाम से या क्रोम स्टोर के नाम से भी एक नया इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है जहाँ पर आप क्रोम की एक्सटेंशन डाउनलोड करते हैं। फायरफॉक्स का अपना एक ऐप स्टोर का इकोसिस्टम है और हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट जब अपना एज लॉन्च करें उनका भी विंडोज़ का एक अपना ऐप का सिस्टम है। लेकिन अभी हम बात करेंगे मोबाइल के ऐप स्टोर्स की, जिसमें एंड्रॉयड का प्ले स्टोर है और iOS का ऐप स्टोर है। इनमें मेजर डिफरेंसेस क्या हैं? सो मैं चाहूँगा कि मैं आपको एंड्रॉयड और iOS में डिफरेंस बता दूँ कि दोनों की क्या अपॉर्चुनिटी हैं, ताकि जब आप इसमें काम करना शुरू करें आपको समझ आ जाए कि दोनों में ज़्यादा बेहतर कौन सा है। तो सबसे पहली चीज़ याद रखें कि एंड्रॉयड जो है वो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब क्या है कि एंड्रॉयड का कोड ओपन है, उसको ऑन तो गूगल करता है, लेकिन उसका ओपन होने का मतलब ये है कि वो कोई भी कोड उसको एडिट कर सकता है और उसको चेंज कर सकता है और उसमें एनहांसमेंट कर सकता है और उसके बाद उसको मेन जो है कोड सोर्स जो उसके मेन सोर्स कोड में अपना कोड ऐड कर सकता है। इससे फ़ायदा क्या होता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का फ़ायदा ये होता है कि जो भी चीज़ ओपन सोर्स होती है वो सब डेवलपर्स मिलकर एक कम्युनिटी बन जाते हैं और कम्युनिटी बन के एक चीज़ को ग्रो करते हैं। वर्डप्रेस भी इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा CMS इसलिए बन गया कि 30% ऑफ द वेब रन ऑन वर्डप्रेस, यानी कि दुनिया की 30% वेबसाइट्स जो हैं वर्डप्रेस के ऊपर रन करती हैं, सिर्फ इसलिए कि वर्डप्रेस भी ओपन सोर्स था और वर्डप्रेस में भी हर डेवलपर अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन करता रहता है और वर्डप्रेस का हर रोज़ एक नई शक्ल निकलती है, तो एक कम्युनिटी बन जाती है, वो सब मिल के काम करते हैं। तो ओपन सोर्स में यही फ़ायदा होता है, इसीलिए एंड्रॉयड का जो सॉफ्टवेयर है वो भी काफ़ी तेज़ी से ओपन सोर्स होने की वजह से काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर गया, जबकि एप्पल का जो iOS सॉफ्टवेयर है वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि सिर्फ उसमें एप्पल की टीम काम करेगी, उसमें कोई और काम नहीं करेगा, वो अपना कोड किसी को दिखाते भी नहीं है और वो मतलब प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, तो उनका कोड एक लॉक्ड कोड है, सिर्फ उनके डेवलपर को ही पता है और वही जो चेंजेस करेंगे सिर्फ वही चेंजेस आएंगी। इससे फ़ायदा ये होता है कि वो कंट्रोल उनके कंट्रोल में चीज़ें रहती हैं, लेकिन नुकसान भी होता है। नुकसान ये होता है कि आपको कम्युनिटी की सपोर्ट नहीं मिलती, ज़्यादा दिमाग नहीं लगे हुए होते उसके ऊपर और वो बड़ी लिमिटेड सी एक अप्रोच होती है जो सिर्फ एक टीम की जिम्मेदारी होती है कि उसको ग्रो करना है। सो ओपन सोर्स हमेशा दुनिया में बड़ी तेज़ी से फैलता है और एंड्रॉयड के भी एक यही रीज़न है, और हो सकता है कि आने वाले वक्तों में शायद iOS भी जो है वो अपना सोर्स कोड ओपन कर दे, लेकिन ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उसको लेके चलती हैं। अच्छा, अब ओपन सोर्स होने की वजह से और फ्री होने की वजह से एंड्रॉयड हर डिवाइस में इंस्टॉल भी हो जाता है। एक और जो बड़ा रीज़न डिफरेंस है, एंड्रॉयड में लिमिटेशन नहीं है। गूगल कहता है कि आप अपना हार्डवेयर लेकर आएँ, मतलब आप अपनी मोबाइल बनाने वाली कंपनी ले आएँ, आप मोबाइल बनाते हैं, आप मेरा सॉफ्टवेयर लगाएं और आप मोबाइल चलाएं। तो एंड्रॉयड ने जब ये इसको सबके लिए ओपन कर दिया तो ये तेज़ी से जो है ना एंड्रॉयड हर डिवाइस में फैल गया, इसीलिए एंड्रॉयड हर दूसरे मोबाइल फ़ोन में, आप समझ लें कि एंड्रॉयड है, सैमसंग हो, हुआवे हो, ओप्पो है, इन्फिनिक्स है, कोई भी आप कंपनी पकड़ लें जो फ़ोन बनाती है, LG आ गया, मोटरोला आ गया, नोकिया तक और यहाँ तक के विंडोज़ तक जो फ़ोन है वो सारे के सारे माइक्रोसॉफ्ट भी अब एंड्रॉयड के ऊपर फ़ोन बना रहे हैं। तो एक तरफ एंड्रॉयड हर कंपनी एंड्रॉयड के ऊपर फ़ोन बना रही है और एक तरफ सिर्फ एप्पल iOS जो है वो उसके ऊपर बन रहा है, तो इससे रीच काफ़ी बढ़ चुकी है। ये एक अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि एंड्रॉयड 5000 वाले फ़ोन में भी चलता है, एंड्रॉयड 5 जो है वो मतलब 1.5-2 लाख वाले फ़ोन में, जो सबसे हाई एंड जो फ़ोन हैं इनके उसमें भी चलता है, जबकि iOS सिर्फ आईफोन में चलता है और या आईपैड में चलता है, जो कि ऑलमोस्ट बड़े महंगे फ़ोन समझे जाते हैं। सो इसमें जो मेन डिफरेंस ये है कि एंड्रॉयड की ऑडियंस इतनी डाइवर्सिफाई होने की वजह से उसमें कम से कम पैसों से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसों तक भी ऑडियंस मिलती है, जबकि iOS में आपको प्रीमियम ऑडियंस मिलती है, क्योंकि जो बंदा 1.5-2 लाख और अब तकरीबन जो नए फ़ोन आ रहे हैं वो तकरीबन 3 लाख तक पाकिस्तानी रुपीज़ फ़ोन चले गए हैं, तो जो इतने फ़ोन अफोर्ड करते हैं ज़ाहरी बात है वो इतनी सख्त भी रखते हैं कि वो ऐप से ऐप बाय करेंगे, गेम्स बाय करेंगे, वो ऐप स्टोर के ऊपर पैसे भी खर्च करेंगे। सो इसीलिए एंड्रॉयड की ऑडियंस को लोग अक्सर समझते हैं कि लो क्वालिटी लेस पेइंग ऑडियंस है, जबकि आईफोन की ऑडियंस बेसिकली हाई क्वालिटी हाई पेइंग ऑडियंस है, और यही वजह है कि एप्पल के रेवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं और जो एप्पल के जो आईफोन की जो ऐप स्टोर के रेवेन्यूज़ हैं वो ऑलमोस्ट पूरे एंड्रॉयड से डबल हैं। हालांकि एंड्रॉयड कितनी डिवाइसेस में चलता है, एंड्रॉयड की डिवाइसेस अनलिमिटेड हैं, लेकिन फिर भी उसका रेवेन्यू iOS से आधा है, कि उसमें इतने ज़्यादा लोग होने के बावजूद इतने पैसे खर्च नहीं करते, इसमें कम लोग होने के बावजूद उससे ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। तो ये इसको कहते हैं परचेजिंग पावर, यानी कि आप
قوت خرید کہہ لیں اس کو اردو میں, لیکن یہ بیسیکلی اس طرح سے ہے کہ کیونکہ لوگ ہائی اینڈ پیسے خرچنے والے ہیں وہاں پہ کم ہیں, تو یہ میجر ڈفرینس ہے. جب آپ ایپ لانچ کریں گے تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کہاں پر کس پلیٹ فارم پہ کیا ایکسپیکٹ کریں گے. سو اگر آپ کی ایپ پیڈ ایپ ہے تو وہ آئی او ایس سے زیادہ لوگ پریفر کرتے ہیں, کیونکہ آئی او ایس پہ لوگ پیسے خرچتے ہیں اور آپ کے جو ڈیولپرز ہیں ان کو وہاں پہ جانا اس لیے اچھا لگتا ہے کہ ان کو الٹیمیٹلی وہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ آڈینس پیسے نہیں خرچے گی یا ایپ ہماری انسٹال نہیں کرے گی. اینڈرائڈ میں اگر آپ پیڈ ایپ میں جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اتنا اچھا فیڈ بیک نہ ملے, لیکن اینڈرائڈ پہ ایک اور اپرچونیٹی ہے, وہ یہ کہ آپ فری ایپ دے کر اپنے ایڈ کے تھرو پیسے کما سکتے ہیں, کیونکہ اس کی آڈینس بہت بڑی ہے, اس کی ایڈ کی ریونیو بہت زیادہ ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں میجر پلیٹ فارم میں ڈفرینس ہے, جبکہ آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اگر آپ دونوں میں جائیں تو آپ کے لیے بینیفیشیل ہے, لیکن اسٹریٹجی ڈیپینڈ کرے گی کہ آپ الٹیمیٹلی کیا گولز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ریچ, میں نے آپ کو بتایا کہ ریچ اینڈرائڈ کی زیادہ ہے, آئی او ایس کی کم ہے, لیکن آئی او ایس کے میں پروفیٹیبلٹی زیادہ ہے اور اس میں پروفیٹیبلٹی کم ہے ان ٹرمز آف پرچیزنگ پاور, کہ لوگوں کی قوت خرید کتنی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ الٹیمیٹلی اگر میں کنکلیوڈ کروں تو دونوں میں گروتھ ہے. اگر آپ ایپ لانچ کر رہے ہیں تو آپ دونوں میں کریں, تاکہ یہ نہ ہو کہ ایک بندہ جو آئی او ایس بھی رکھنا چاہتا ہے اینڈرائڈ بھی رکھنا چاہتا ہے لیکن وہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ آپ کی ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے. تو کوشش کریں کہ ایپ دونوں پلیٹ فارم پہ ڈاؤن لوڈ مطلب انسٹال کروائیں, یعنی کہ دونوں پہ ڈیولپ کریں. اور اگر آپ اپنے آپ کی ایپ نہیں ہے, مطلب کہ آپ کسی اور کی ایپ پہ کام کر رہے ہیں, آپ کو ایز انہوں نے ایس ای او یا اے ایس او کنسلٹنٹ رکھا ہوا ہے, تو آپ ان کو بھی سجیسٹ کریں کہ آپ ملٹیپل پلیٹ فارمس پہ جائیں. باقی ایپس اس پہ رینک کرنا وہ چیزیں ہم بعد میں بات کریں گے, لیکن ایک لاسٹ پوائنٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بیسیکلی ایک اور جو بڑا ڈفرینس ہے اینڈرائڈ کی ایپس میں اور آئی او ایس کی ایپس میں, وہ یہ کہ اینڈرائڈ کی ساری جو پلے اسٹور کی ایپس ہیں وہ گوگل میں سرچیبل ہیں, جبکہ آئی او ایس کی ایپ گوگل میں سرچیبل نہیں ہیں. سو یہ چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں کہ ایس ای او پوائنٹ آف ویو سے, اے ایس او پوائنٹ آف ویو سے آپ کو اینڈرائڈ ہی سوٹ کرتا ہے, آئی او ایس آپ کو اتنی فنکشنالٹی الاؤ نہیں کرتا کہ آپ اس میں زیادہ چینجز کر سکیں. آپ اس میں میکسیمم دو چار چیزیں چینج کر سکتے ہیں, باقی ساری چیزیں آئی او ایس کی کنٹرول میں ہوتی ہیں, وہ خود ہی آپ کو بوسٹ کرے گا, خود ہی اوپر لے کے جائے گا, خود ہی اپنی آپٹیمائزیشن کرے گا, جبکہ اینڈرائڈ آپ کو زیادہ فلیکسیبلٹی دیتا ہے کہ آپ کے اسکرین شاٹ اچھے ہوں گے یا آپ کی باقی چیزیں, اس میں آپ آئی او ایس کے مقابلے میں زیادہ چیزیں مینیج کر سکتے ہیں, اسی لیے وہاں پر اے ایس او بھی زیادہ اچھی ہو سکتی ہے. تو اے ایس او بیسیکلی زیادہ تر ریلائی اینڈرائڈ کے اوپر ہی کرتی ہے, آئی او ایس میں اے ایس او کا ایز سچ کوئی کانسیپٹ ہے نہیں, کیونکہ اس میں پانچ چھ چیزیں کرنے کے بعد آپ کے پاس بالکل جو ہے وہ کام رہتا نہیں ہے. تو یہ میجر چیزیں بیسک میں نے آپ کو ڈفرینس بتا دیا, لیکن اس کو مزید چل کے میں آپ کو اے ایس او کے بارے میں بات کروں گا کہ کس طرح سے اے ایس او جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے اور ہم نے کیسے اے ایس او اگر کرنا ہے تو ہم نے اس میں کیا کیا چیزیں دیکھنی ہیں اور کیا کیا فیکٹرز ہیں جو دونوں پلے اسٹورز یا پریفریبلی اینڈرائڈ کا پلے اسٹور جو ہے وہ دیکھتا ہے اور اس کو ہم نے اس کو کیسے رینک کرنا ہے.